हुकूमत ने छोटे दुकानदारों से फिक्स टैक्स वसूली के लिए बिजली कंपनियों के जरिए बिलों में शामिल करके वसूली शुरू कर दी है। बिजली के बिल मौसूल होते ही छोटे दुकानदार हैरान और परेशान हो गए हैं। फाइलर्स दुकानदार पर 3,000 जबकि नॉन फाइलर्स पर 6,000 रुपए इजाफी टैक्स नाफिज किया गया है। छोटे ताजिरों का कहना है कि हम पहले ही बिजली के बिलों में दर्जन से जायद मुख्तलिफ टैक्सेस अदा कर रहे हैं, अब रिटेलर टैक्स के नाम पर मजीद टैक्स बिजली के बिलों में भिजवा दिया गया है, जो कि सरासर जुल्म है। बिजली के बिल मौसूल होते ही छोटे दुकानदार क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जो बिल दुकानों पर लगा के हैं 6,000 रुपए एक्स्ट्रा, ये दुकानदारों के लिए बिल्कुल नाजायज़ है। ये तो गवर्नमेंट से ताल्लुक है, क्या इलेक्ट्रिक का ताल्लुक नहीं है इसका। इसलिए आप जब कोई चीज़ पास करोगे तो जब भी तो वो करेंगे, जो भी मसला होगा मार्केट के साथ खड़े होंगे। इसलिए हम भी यहीं के हैं, दुकानदार हैं, जो भी हम भी इन्हीं के साथ हैं ना, इन्हीं के साथ रहना है। एहतजाज अभी भी किया था और इंशाल्लाह दोबारा करेंगे एहतजाज। अब ये मजीद एक्स्ट्रे 6,000 रुपये आप इनकम देखें ना, हर कोई तो टैक्स देने के काबिल नहीं है ना। जिसकी दुकान भी किराए की है, मकान भी किराए का है, उसके पास कोई वसाइल है ही नहीं, आज 6,000 रुपये कैसे भरेगा भाई। जब से ये हुकूमत आई है, विफाकी हुकूमत, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, इन्होंने जो है ना सत्यानाश कर दिया हमारा। इन्होंने वो खासकर जो है ना ताजरों का, छोटे बड़े ताजर जो हैं जितने भी परे, हालांकि काम धंधा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, और ऊपर से इन्होंने टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए। इन्होंने पेट्रोल जो है ना इन्होंने दुगना कर दिया इन्होंने, और अभी जो है ना 12 रुपये और बिजली पे रेट बढ़ा रहे। 6,000 रुपये इन्होंने अलग टैक्स लगाया, इन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, खासकर कराची का। तो इससे तो अच्छा खान साहब अच्छा था ना यार, उन्होंने जो है ना अच्छी हुकूमत की है, और ये बगैर जब से हैं इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हमारे। इन्होंने तो ये जो है ना अमरीका के ग़ुलाम हैं ये लोग, और इन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इस तरह नहीं चल सकता। के इलेक्ट्रिक के बिल में तो किसी सूरत इसको हम मंजूर नहीं करेंगे। इस सिलसिले में हमने वक्ती तौर पर एहतजाज भी किया था, और अभी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हमारी बात चल रही है। ज़ुबैर भाई इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो FBR के जो चेयरमैन हैं उनसे भी बात करेंगे, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुफ्ती इस्माइल साहब उनसे भी रब्ता करेंगे, और अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो फिर हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कोर्ट से अपील करेंगे, और ये जो हम पे जुल्म हुआ है इसको जो है ख़त्म किया जाए ना। दूसरी जानिब बिजली बिलों में शामिल रिटेलर टैक्स को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अंजुमन ताजराने सिंध कराची डिवीजन के सदर जावेद शम्स का कहना है कि टैक्स का नफाज बजट 2022 में किया गया था, हम इसके खिलाफ अदालत में इंसाफ के लिए आए हैं। अब देखना ये है कि मौशी सूरत हाल से परेशान ताजिरों के मौकिफ के बाद क्या हुकूमत टैक्सों की वसूली यकीनी बना सकेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ सादत हुसैन, कराची।